ये मैंने नहीं बनाया, हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये देखें, हनी साहब अंडा बना रहे हैं, बर्गर हमें बना के दे रहे हैं, और इनकी फेस भी दिखाती हूँ। हेलो हनी, हेलो। और ये देखें हनी बर्गर बना रहे हैं, बच्चों को बना के दे रहे हैं, मुझे, हम सबको। शामी भी हनी ने बनाए हैं। आपको तो पता है ये सब चीज़ें मैं अपने हनी से बनवाती हूँ, क्योंकि अगर चीज़ का अगर आपने मज़ा लेना है तो हनी के हाथ से बहुत मज़ा आता है, यकीन माने स्वाद आ जाता है। क्यों जी? हाँ जी, है जी। केचप पकड़ी? अब मेरे में मेयोनीज डालनी है, केचप नहीं डालनी मैंने। चले केचप बच्चों के लिए, केचप दिखाओ, ये इधर करके लगाए ना, तो व्यूअर्स को पता भी तो चले ना कितने मज़े वाले बन रहे हैं ना। अनु बहुत ज़्यादा मज़ा करता है, ये बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इनके हाथ के। आप लोग भी कभी आए, हम लोग आपको खिलाएंगे। आप हैं कौन? अगर किसी को अच्छे लग रहे हैं तो वो कमेंट में बताना, मुझ में डालनी वो ही बस उसको कर दे, स्पून के साथ सही कर दे बस उसको। मैं तो कह रही हूँ हम हनी बर्गर वाली दुकान खोल लो, बर्गर बहुत मज़े के बनाते हैं ये। आज मैंने शामी बर्गर, कल हमने पैटियाँ बर्गर खाया था, आज शामी बर्गर खा रहे हैं। और किचन में देखे कितना गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सब नाश्ता कर रहे हैं, इस वजह से। मेरा नहीं हाफ करना, आपने उनके कर दो, मेरा फुल। आगे इतनी ज़ोर से मुझे ये छुरी लग गई है, ये देखे मेरे हाथ पे सनी प्लास मैंने लगाया हुआ है, और इतना ब्लड निकला, यही छुरी मुझे लगी है इतनी ज़्यादा। शामी मैं फ्रीज़र में लेके आई, ठंडे थे और उसको ना वो जुड़े हुए थे, उसको अलग अलग कर रही थी मैं, तो जल्दी से मेरे हाथ में लग गई इतनी ज़ोर से। अनु बोला छोड़ दो आप, मैं खुद करूँगा, आगे भी तो मैं ही एक बर्गर वगैरह बनाता हूँ ना। ये देखिए फाइनल लुक, बर्गर रेडी। तो अब हम देने लगे हैं बच्चों को बर्गर। ये लो स्टाइश, स्टाइश को दे दो, हम का भी आ रहा है। चलो ठीक हो गया, चले अब मैं वो बना लूँ ना अंडा, एक रह गया अंडा, वो मैं नान भी गर्म करती हूँ, और एक शामी भी और बनाना है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाभी लोग गए हुए हैं बाज़ार, और ये देखिए घर में हमारा गजरेला जो है अम्मी वो रेडी कर रही हैं अभी। अम्मी बताएं आप, इसने आपने इसके अंदर क्या क्या डाला अभी? चावल और गाजरे डाल के दूध डाला, उसके बाद थोड़ा सा उनको पकाया, पहले फिर दूध डाला, मलाई साथ डाली है, अभी खोया डलेगा, चीनी डलेगी, तो फिर हमारा गजरेला अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको पकने में, क्योंकि अभी इसको रखा हुआ अभी हमें तकरीबन एक घंटा हो ही गया जी, इसको रखे हुए भी काफ़ी देर हो गई है, अभी और घंटा डेढ़ इसके और लगेगा पकने में। तो एक तरफ जो है वो बादाम जो है वो इसको देखे क्रश कर रहे हैं, एक साइड पे पीसेस कर रहे हैं छोटे छोटे इसके अंदर डालने के लिए। हम लोगों ने गजरेला भी बनाना है और गाजरों का हलवा भी बनाना है, दो डिशें हैं जो हमने बनानी है मीठी, क्योंकि भाई जो है वो गजरेला नहीं खाते, तो उनके लिए हम बनाएंगे गाजरों का हलवा, और ये हम सब के लिए, हमें तो ये बहुत पसंद है। तो अगर आप लोग को भी ये पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, और पूरा गजरेले की रेसिपी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और साथ में जब गाजरों का हलवा बनाएंगे तो उसकी भी हम रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। गाइस ये देखिए हमारा गजरेला जो है वो रेडी हो गया है, तो ये देखिए अभी हम इसको बस निकालने लगे हैं, इसमें से छींटे सी निकल रही हैं, और इतना टेस्टी लग रहा है ना गजरेला, ये देखिए इसकी जो गाजरें हैं वो बिल्कुल मेल्ट हो गई हैं, ये देखें
ये होता है गजरेला। तो अगर आप लोग को भी ये पसंद है तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया था मम्मा आप बताएं ज़रा। 5 किलो दूध ऐड किया और गाजरें कितनी थी? 3 किलो, 3 किलो गाजरें थी, 1 पाव चावल थे और एक पाव खोया, पाव की आधा किलो था और 1 पाव मलाई। और ये सब कुछ हम लोगों ने बनाकर डाला था इसके अंदर और ये देखें रेडी हो गया। अभी ये और ज़्यादा हार्ड होना है और ये सारा बाहर आ रहे हैं इसके छिट्टे और बहुत गर्म लग रहा है, मेरे पे पड़ी है एक, ये देखें बाहर गिर रही है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप लोगों को पसंद है गजरेला? और जिस जिसने खाना है ना वो आ जाए हमारे घर। पिछली बार हमने गाजरों का हलवा बनाया था तो हिनावाजी ने बोला था कि मैंने भी खाना था, पुप्पो जी आपने मुझे बताया नहीं। तो ये देखिए भाभी ऊपर अपना ब्लॉग बना रही हैं और वो भी आवाज़ें दे रही हैं कि ऊपर आ जाओ अभी जल्दी से। मैंने कहा मैं पहले गजरेला दिखा लूँ रिवर्स को, फिर इसको उतारना है हम लोगों ने चूल्हे से। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, रेडी हो गया ना माँ? अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलें अब ऊपर चलते हैं भाभी के पास और उनसे देख उनकी बातें सुनते हैं। हेलो जी, और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, अब बैठ गए हैं और 5 बजे हैं और बाहर अंधेरा होने को आ गया है और सर्दी आज बहुत ज़्यादा है और कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा। और मेरी सिस्टर लोग का फ़ोन आ रहा है, आप लोग आ नहीं रहे अभी, तो हम लोगों को मुश्किल लग रहा है जाना, बहुत ज़्यादा सर्दी, रात की बहुत ज़्यादा तबीयत भी नहीं ठीक और गला तो माशाल्लाह से आपको पता है पहले काफ़ी दिनों का ख़राब हो रहा है। और नहीं आप कुछ कहना? मैंने क्या कहना है। और हाँ, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है जो हम लोगों ने क्रिसमस की वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को तो पता है बहुत ज़्यादा सर्दी है, हमसे बहुत मुश्किल हो रहा है जाना। और ये देखिए सारा वो हीटर लगा हुआ था, ये रेड हो गई है ना जी मम्मा, बहुत ज़्यादा सर्दी। हाँ, और आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छे लगे हैं कल के? किस किस को अच्छे लगे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम लोग कैसे लग रहे थे ये भी आप लोगों ने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो कौन सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, ये या मैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? हमारे एक भाई वो भी हैं, उन्होंने बताया है। हाँ, आप दोनों सबसे ज्यादा प्यारे लगे। हाँ, तो लेकिन ये है कि जो लोग देखते हैं वो लोग अपना कमेंट भी साथ किया करें, फिर हमें पता होता है इन लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया, हमें कमेंट किया, हमें अच्छा लगता है। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर ले, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने वो क्रिसमस के वीडियो जो मैंने लगाई उस पर कमेंट किए, अच्छे अच्छे किए हैं, बहुत खुशी होती है ऐसे कमेंट देख के। जितनी देर तक आप लोग कमेंट नहीं करते हमें पता नहीं चलता कि हमारी वीडियो अच्छी है या नहीं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है सारा कुछ। तो चले फिर, अब हम जब भी जाएंगे कहीं तब आप लोगों को मेरी खांसी से अंदाज़ा तो हो गया होगा, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन इतने ज़्यादा मैंने झूले लिए और जाहिर सी बात है झूलों पे बैठते जब तो शोर भी इंसान करता तो वो तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो उसकी वजह से भी और मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो गया। तो चले हम जहाँ भी जाएंगे हम अपनी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आप लोग भी ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग लाइक करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ जिन्होंने, उनके लिए बहुत शुक्रिया। और चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में, उतनी देर के लाला हाफिज़। वाह, हमने देखे ये क्या बना दिया है, ये देखे क्रिसमस हमने बड़ा प्यारा बनाया, हम ना मेरी तरह डेकोरेशन बहुत ज़्यादा करता है।
केक का था और ये देखिए इसने कैसे बना दिया। केक के गत्ते के ऊपर वो चीजें लगा दी। ये ना बहुत सारी चीजें बनाता, मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं की, जरूर करूंगी। और आज थी और ये लेके आया। मम्मा दिखाओ आप, ये मैंने बनाया, चलो बताओ आप, कब बोलो अच्छा लगा आपको। लो आप उधर चले गए हो, नहीं बोलना।